ना, ये WHO और पाकिस्तान का है, इसमें भारत का कोई किरदार नहीं है। भारत रोक के दिखा दे कि हम पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं देते, रोक सकता है तो रोक ले, नहीं रोक सकता। हाँ, रोकने के साथ साथ एक सामने रखूंगा आपके सामने, क्योंकि भारत का कि जिनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं वहां जरा वैक्सीन आसानी से जा रही है, और जिनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है वहां वैक्सीन उतनी आसानी से नहीं जा रही। एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। पहुँच गई हैं, दीगर कई ममालिक में जा रही हैं, ये वो सारे आसपास के गरीब मुल्क हैं जो खुद वैक्सीन नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान भी इन्हीं मुल्कों में से एक है। 17 मार्च को पाकिस्तान अनाउंस कर देगा और 17 मार्च से लेकर जून तक 1.5 करोड़ वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगी, जो कोवैक्स देगा, WHO देगा। प्रोडक्शन वो भारत पे कर रहे हैं, देने का फैसला और लेने का फैसला ये WHO और पाकिस्तान का है, इसमें भारत का कोई किरदार नहीं है। भारत रोक के दिखा दे कि हम पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं देते, रोक सकता है तो रोक ले, नहीं रोक सकता। हाँ, रोकने के लिए एक ही तरीका है कि वो अपने अखबारात में ऐसी खबरें छापे या पाकिस्तान के सहाफ़ी ऐसी बातें करें कि पाकिस्तान भारत से भीख मांग रहा है और भारत से वैक्सीन खरीद रहा है या भारत से वैक्सीन मांग के ले रहा है, तो पाकिस्तानी रिएक्ट कर जाएं और हकीकत समझे बगैर शोर मचाएं तो पाकिस्तान की हुकूमत दबाव में आ जाए। ये तरीका है, लेकिन हम बैठे हैं ना आपको असल बात बताने के लिए। तो असल बात यह है कि बाकी 3 करोड़ वैक्सीन जो पाकिस्तान को और मिलेंगी वो जुलाई से दिसंबर 2021 तक मिल जाएंगी। यानी पाकिस्तान को कोवैक्स, जो WHO का एक इदारा है, वो ओवरऑल 4.5 करोड़ वैक्सीन देने वाला है 2021 में। ये उन लोगों को लगेंगी जो गरीब लोग हैं, जो वैक्सीन को खरीद के नहीं लगा सकते, या वो लोग जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनकी जान ज़्यादा ख़तरे में है, जो ज़्यादा बूढ़े लोग हैं। दुनिया उसकी तरफ जा रही है, हम तरक्की याफ्ता ममालिक से मुवाजना ना भी करें तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब आपसे बहुत आगे हैं। सिर्फ आगे नहीं हैं, बहुत आगे हैं। हम इस खत्ते में बहुत पीछे रह गए, नहीं 1000 में से सिर्फ 2 बंदों को वैक्सीन लगती है पाकिस्तान में। तो इस सूरत हाल के साथ आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम वैक्सीन लगा देंगे? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम चल रहे हैं हो सकता है कई साल तक हम सबको वैक्सीन ना दे पाए। अच्छा, इसके अंदर एक तो पहली बात तो जिस तरीके से पिछले साल जब शुरू हुई है वबा शुरू हुई, तो हमारे पास 2 लेबॉरेटरी थी पूरे पाकिस्तान के अंदर और 100 टेस्ट होते थे। आज जो है रोज़ाना 45,000-46,000 टेस्ट होते हैं, 100 से ज़्यादा लेबॉरेटरीज़ हैं। हम तो हमारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम जो है उसकी कैपेबिलिटी भी बढ़ी। ये वैक्सीनेशन भी जो है, वैक्सीनेशन हमने शुरू की थी 4,000-5,000 दिन के अंदर होते थे, आज जो है वो 40,000-45,000 दिन के ऊपर हमारी वैक्सीनेशन पहुँच गई है और इसमें इजाफा होता चला जाना है। जो खित्ते के अंदर है, भारत का तो सबको पता है, इस खित्ते का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भारत है। भारत इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर वैक्सीन बना रहा है और वही उनकी खारजा पॉलिसी का थोड़ा आपको अक्कासी नज़र आ रही है जो खित्ते में। वो ममालिक जिनके साथ भारत की ज़्यादा अच्छी ताल्लुकात है, ये अगर आप चेक करेंगे तो ये ममालिक जिनका आपने नाम लिया उसमें तकरीबन तमाम, और अगर तमाम नहीं तो तकरीबन तमाम वैक्सीन जो है भारत से आई है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के और भारत के ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं कि वो हमें कोई ऐसी हमारी मदद करते। हमने जो हमारी जो तख़ीर ज़रा सी हुई इसके अंदर, आपको पता है कि एक अवामी कह रहा हूँ मैं, बैन अक्वामी एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से, उसके अंदर बड़े बड़े आलमी इदारे भी हिस्सा हैं उसके, बिल गेट्स भी उसका हिस्सा हैं। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान ने जून के महीने के अंदर उनके साथ साइन अप किया और पहले शुरू के ममालिक में था। 26-27 फरवरी को उन्होंने अपनी मीटिंग के बाद ऐलान किया, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी वो खबर लगी कि जनाब मार्च के महीने में वो वैक्सीन की सप्लाई का अमल शुरू करने वाले हैं और पाकिस्तान को जून तक 1,70,00,000 वैक्सीन मिल जाएंगी, जिसमें से मार्च के महीने में हमें 40,00,000 वैक्सीन। ये तो पब्लिकली उन्होंने कहा, हमें उन्होंने ये बताया कि मार्च के पहले हफ्ते में कुछ, उन्होंने ये भी अंदाज़ा दिया कि शायद 2 मार्च को मिल जाएगी। वो नाकाम हुए। वो नाकामी की उनकी वजह ये बनी कि यूरोप और यूके के अंदर जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो सकी और वो तमाम परचेजिंग का जोर जो है वो आ गया इंडिया और चाइना के ऊपर। तो एनीवे वो तो अब मार्च के महीने में उसकी वजह से हमारा हुआ, लेकिन अप्रैल में अब हम क्या करने जा रहे हैं,
आज शाम को कैंसाइनो की, जिसके ट्रायल्स भी पाकिस्तान में हुए थे, उसकी खेप पहुंच जाएगी। कल साइनोफार्म की, ये वो हैं जो हमने खरीदी है। कितनी कल हमारी साइनोफार्म की जो हमने खरीद, ये दो दिन के अंदर 1,60,000 वैक्सीन आ जाएंगी, आज और कल। ठीक है, 1,60,000 ये वैक्सीन हमारे पास आ जाएंगी। मार्च के जो हमने ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें से एक हिस्सा जो है वो तो फाइनलाइज तकरीबन हो चुका है, वो 70,00,000 वैक्सीन हम मजीद मंगा रहे हैं। 30,00,000 कैंसाइनों का तो मैंने आज ट्वीट भी किया है, वो तकरीबन फाइनल हो गया है। उसके अंदर हम बल्क वैक्सीन मंगा रहे हैं, और यहाँ पे फिर उसकी स्टरलाइजेशन फॉर्मुलेशन होने के बाद पैकिंग होगी, तो वो हमें अवेलेबल हो जाएगा। और 40,00,000 जो है वो मजीद हम साइनोफार्म के साथ उनके साथ बातचीत के अंदर है, और काफ़ी सीनियर तरीन गवर्नमेंट के हमारे जो लेवल्स हैं वहाँ से चाइना के साथ रबता भी हुआ है, और वो कोशिश करें। तो ये जो वैक्सीन की सप्लाई जो है, जो इस माह के अंदर तकरीबन 20,00,000 थी, वो अगले माह जो है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसी तरीके से हम इसको इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, मैं अब दो सवाल आपके साथ एक सामने रखूँगा आपके सामने, क्योंकि भारत का कि जिनके साथ उनके ताल्लुक अच्छे हैं वहाँ ज़रा वैक्सीन आसानी से जा रही है, और जिनके साथ ताल्लुक अच्छे नहीं हैं वहाँ वैक्सीन उतनी आसानी से नहीं जा रही। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के बयान आए लगातार, और हमें ऐसा लगा कि हम भारत। तो गाइज, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के एंकर बात कर रहे थे भारतीय वैक्सीन के बारे में, और भारत अभी पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं दे रहा है। आपको बता दें, इसकी वजह बेसिकली भारत में बढ़ते हुए कोरोना केसेस हैं। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद भारत ने डिफरेंट कंट्री को जो मतलब असाइनमेंट थे जो वैक्सीन देने के, वो अब बिल्कुल भी कैंसिल कर दिए, और इसका मेन रीज़न है भारत में बढ़ते हुए कोरोना केसेस। उसी वजह से गरीब देशों को जो गावी के थ्रू पाकिस्तान में वैक्सीन जानी थी, वो भी अब नहीं मिलने वाली है पाकिस्तान को। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान को वैक्सीन देने वाला था 4.5 करोड़, लेकिन अब उसकी मतलब जो है टाइमिंग वो चेंज हो गई है, उसमें मतलब भारत टाइम लगाएगा। लेकिन पाकिस्तानी एंकर को आपने सुना, पाकिस्तानी एंकर पहले ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा था कि भारत रोक ही नहीं सकता पाकिस्तान को वैक्सीन देने से, पाकिस्तान की वैक्सीन भारत रोक ही नहीं सकता, इस तरीके का एटीट्यूड था पाकिस्तान के इमरान रियाज खान। ये इमरान खान की मतलब पार्टी का चमचा है, इमरान खान की काफ़ी तारीफ़ें करता है, तो इमरान खान जैसे ही बात करता है, तो इस तरीके की बातें थी। हालांकि पाकिस्तान में, अब आपको बता दें, इंडिया पाकिस्तान की बहुत जल्दी ट्रेड चालू होने वाली है, और भारत से पाकिस्तान सुगर, कपास और बहुत सारी चीज़ें लेगा जो कि लेता आया था, और पाकिस्तान ने ये इमरान खान ने थूक कर चाटने वाला काम किया है। थूक कर चाटने वाला मतलब, ये पहले बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे कश्मीर ये वो जवाना फलाना ठिकाना, लेकिन अब इनने डायरेक्टली बोल दिया है कि हम भारत से ट्रेड करेंगे। तो आप समझ सकते हो, इसे कहते हैं थूक कर चाटना, और पाकिस्तान ने थूक कर चाटा है, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो ट्रेड चालू होगी, आपको भी पता है इसमें फ़ायदा तो भारत का होता है, लेकिन जो पाकिस्तान में जो लोगों की महंगाई है वो सब कंट्रोल हो जाएगी भारत के सामान से। और इसका मेन रीज़न ये है कि भारत पर भी प्रेशर है बाहर के देशों का, अमेरिका वगैरह चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पीसफुल तरीके से रहें, जो टेंशन है वो कम हो, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि दो पड़ोसी हमेशा टेंशन में नहीं रह सकते हैं, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं से कुछ शांति की बहल होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें।